हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक नया प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और ये प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर रिलेटेड है। दोस्तों, आप लोग हल ध्रुव, हल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल रुद्र, हल अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर, ये सब के बारे में तो सुने ही होंगे, पर क्या आप हल IMRH के बारे में सुने हैं? दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ये IMRH प्रोजेक्ट मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। कहीं कहीं जगह में इसको मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर या फिर हल MLH भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ये IMRH प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक डिफेंस लवर है तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। इसीलिए देरी ना करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेलीकॉप्टर प्रोड्यूसिंग में दुनिया के बड़े बड़े देशों के बराबर है, पर अभी तक इंडिया हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के मामले में सेल्फ रिलायंस नहीं बन पाया है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से जो हेलीकॉप्टर बनाया जाता है वो ज्यादातर लाइट हेलीकॉप्टर और अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर के कैटेगरी में आता है। फिलहाल इंडिया अपने दम पे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, पर दोस्तों, इंडिया का तीनों फोर्सेस को मीडियम लिफ्ट और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लिए दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के लिए रशिया का बनाया हुआ MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है। पर दोस्तों, एक देश जो लाइट और अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर बना सकता है तो वो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी बना पाएगा। और इसी संकल्प को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपना IMRH या मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिसाइड किया गया था कि अभी तक इंडिया में जो हेलीकॉप्टर बनता है उससे थोड़ा आकार में बड़ा हेलीकॉप्टर, मतलब करीबन 10 से 15 टन का कैटेगरी का हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा और इसका नाम रखा गया था मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। शुरुआती के दिन में इंडिया इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूरोपियन कंपनी एयरबस और रशिया के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर चुका था, जिसके तहत इंडिया इन दोनों पार्टनर्स के हेल्प से करीबन 350 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बनाएगा। और इंडिया का प्लान था ये हेलीकॉप्टर रशिया का MI-17 का बराबर होना चाहिए और इसका प्राइमरी कस्टमर इंडिया का तीनों फोर्सेस होगा। पर बाद में फोर्सेस की जरूरत पूरा होने के बाद इसको सिविल एविएशन और प्राइवेट कंपनियों को भी सेल किया जाएगा। पर दोस्तों, 2009 में इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा पूरा पूरी बंद कर दिया गया। तब बोला गया था कि एयरफोर्स और आर्मी द्वारा किस टाइप का हेलीकॉप्टर का जरूरत है उसका क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं आ रहा है, जिस वजह से फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करने में बहुत ही असुविधा हो रहा है। और इस कारण को दिखाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट को पूरा पूरी क्लोज कर दिया। पर दोस्तों, 2017 में हम लोगों को सुनने को आया कि असल में इंडिया खुद से ही ये हेलीकॉप्टर बनाना चाहता था और फॉरेन पार्टनर के ऊपर भरोसा ना करके इंडिया खुद से अकेला ही ये प्रोजेक्ट के तरफ आगे बढ़ा और फिर इस प्रोजेक्ट का नाम बदल के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया और इसमें थोड़ा बहुत स्पेसिफिक चेंज भी किया गया। दोस्तों, पहले बोला जा रहा था 10 से 15 टन का एक हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, फिर बाद में इसको डिसाइड किया गया कि सिर्फ 10 टन का हेलीकॉप्टर बनेगा। पर 2017 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ये बताया गया है कि जो इंडिया का हल IMRH है, मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, वो एक 12 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का नाम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इसलिए रखा गया है कि ये हेलीकॉप्टर खाली ट्रूप ट्रांसपोर्ट या रसद का सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इनको ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि ये हर एक तरह का मिशन में काम आ पाए, जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, VVIP ट्रांसपोर्ट, ग्राउंड एंड ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, कार्गो कैरियर, अंडरस्लॉग लोडर और नेवल ऑपरेशन। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बताया गया है कि ये हेलीकॉप्टर कम से कम 20,000 फीट का ऊंचाई तक उड़ पाएगा, साथ ही साथ 24 ट्रूप्स या फिर 3,500 kg का लोड लेके उड़ान भर पाएगा, मतलब इंडिया का बनाया हुआ जो हल ध्रुव है उसका लगभग दुगना कैटेगरी का है। दोस्तों, हल ध्रुव एक 5 टन कैटेगरी का लाइट हेलीकॉप्टर है, जबकि IMRH एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों, हम लोगों को 2017 में एक रिपोर्ट में ये भी सुनने को मिला था कि सिर्फ आर्मी करीबन ऐसा 400 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे सकता है, जबकि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने के कारण से नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और VSF की तरफ से भी इसका ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएगा। इसके अलावा VVIP चॉपर्स के लिए और एम्बुलेंस सर्विसेज और सिविल एविएशन के लिए भी इसका ऑर्डर आने का संभावना
संभावना है। दोस्तों 2017 में ही इसका एक मॉडल दुनिया के सामने लाया गया था और तब ये आशा किया जा रहा था कि 2019 में इस हेलीकॉप्टर का फर्स्ट फ्लाइट होगा। पर दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसका चयन अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा नहीं हुआ है, जिस वजह से माना यह जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी बाकी प्रोजेक्ट के तरह कुछ समय डिले हो रहा है। पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट का प्रोसेस लगभग खत्म होने को है, क्योंकि 2017 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा करीबन 600 करोड़ रुपए के लागत से एक नया हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थापना किया गया था और ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ये इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर बनाने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों बेसिकली तो ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में इस्तेमाल होने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों हेलीकॉप्टर लगभग सेम कैटेगरी का है और इंडियन एयरफोर्स अपना MI-17 का फ्लीट 2025 से रिटायर करना स्टार्ट करेगा और अभी तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसको रिप्लेस करने के लिए कोई भी दूसरा कंपनी का हेलीकॉप्टर परचेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इस वजह से माना यह जा रहा है कि MI-17 फ्लीट को IMRH द्वारा ही रिप्लेस किया जाएगा। इसका मतलब 2025 से पहले ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।